डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पे आए और एक प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, और ये प्रोग्राम का मकसद यह था कि तीर यारियां निभाने एक सॉन्ग आज रिलीज़ हुआ हमारा, और ये सॉन्ग जो है इसके लिरिक्स जो है वो मैं लिखा, और ये हैदराबाद में ही इसका रिकॉर्डिंग हुई और शूटिंग भी हैदराबाद में हुई सो है। और ये जो मेरे आर्टिस्ट है ये पूरे न्यू आर्टिस्ट है, इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर, जो मैं लास्ट प्रोग्राम में वादा कर रहा था कि एक म्यूज़िक एल्बम बनाऊंगा, और आगे भी बहुत सारा प्रोग्राम है, मैं आगे और आगे के प्लान के बारे में बोलूँगा आपको। तो ये जो गाना है तेरी यारियां निभानी, आजकल की जनरेशन के ऊपर है कि एक दोस्त की मदद कैसा करता है। आजकल जैसा चल रहा है तो अपने एक को एक साथ एक को हेल्प करना, और एक की तकलीफ में एक जने साथ देना, और एक की एक मोहब्बत को समझ के चलना, दोस्ती लेके चलना, उसके ऊपर ये गाना बनाए, और बहुत ही प्यारा गाना बना, उम्मीद है आप लोग पसंद आएंगे। और ये गाना हम लोग मोइनाबाद हैदराबाद और ऐसे ऐसे जगह पे शूट करें, और काफ़ी मेहनत हुई है गाना बनाने के लिए, और उम्मीद ये है आप लोगों से, पूरे आप लोगों के ऊपर है गाने को आगे बढ़ाना, मेहनत बहुत करें। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे और काम करेंगे। एक आगे मूवी का भी प्लान है, पहले एक शॉर्ट मूवी है बड़े बाप की औलाद, उसमें मैं आज डिक्लेयर करने वाला हूँ ये मूवी आने वाली बड़े बाप की औलाद। इसमें मेरे पुराने आर्टिस्ट है और नए आर्टिस्ट है, उन लोगों में सिलेक्शन करूँगा, और नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो बड़े बाप की औलाद का जो प्रीमियर फंक्शन रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग ये गाने को थोड़ा सपोर्ट करिए, हम सबको सपोर्ट करिए, जो मेरे आर्टिस्ट है और हफीज़, निहाल, आमिर, हमज़ा ने और ऋतिक, उबैद है, ऋषि है, तो ये सब लोग मेरे आर्टिस्ट है, और इन लोगों में सिलेक्शन करा पूरे 48 लोगों में, 5 जनों को, इन लोगों का टैलेंट देखे, और आगे आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो इसी काम करते रहेंगे। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे जितने भी लोग प्रोग्राम में आए, जैसा कि हमारे हिंदुस्तानी चाचा है, और हमारे बादशाह भी मेरे शो के डायरेक्टर है, और मेरे प्रोडक्शन इंचार्ज है ऋषि भाई, और ये प्रोग्राम के मेरे जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अफरोज भाई। तो बस यही उम्मीद है आप लोगों से कि ये गाने को जितना हो सके शेयर करिए, यूट्यूब पे नुसरत प्रोडक्शन बोल के है, नुसरत प्रोडक्शन मारेंगे, इसमें आपको गाना आएगा तेरी यारी है निभानी। तो प्लीज़ जितने हो सके आप लोग इसको गाने को शेयर करिए, लाइक करिए, थैंक यू सो मच। आप मीडिया वालों का भी, आप लोग बहुत देर से हम लोगों को मतलब वो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज तक कभी कोई गाना नहीं बना इसके ऊपर, नुसरत प्रोडक्शन में ये पहला है। ऐसा तो बहुत सारे पहले बनाए थे लेकिन किसी और के लिए कर रहे थे, नाम अपना नहीं था। बहुत सारे फिल्मों में मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ हैदराबाद में, काफ़ी लोग ये चेहरे को पहचानते हैं, अच्छी तरीके से देख लो। सर, आप कब से? मैं फिल्म इंडस्ट्री में कम 20 साल से हूँ। इस साल में क्या क्या किया? मैं बैक स्टेज था, बहुत सारे फिल्मों में स्टोरी लिखा हूँ, काफ़ी हैदराबादी फिल्में आप देखे होंगे, उसमें भी स्टोरीज है मेरे, जो मेरे को नाम नहीं मिला, पैसा मिला, और बहुत सारे फिल्मों में पैसा लगाया, और वहाँ पर भी मेरे को सिर्फ, खैर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, सब लोग पहचानते हैं, और ये चेहरे को अच्छी तरीके से पूरी इंडस्ट्री भी पहचान थी। तो खैर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक नया कुछ लेके आना हैदराबाद में, नए बच्चों को चांस देना, नए जवान बच्चे आना, न्यू जनरेशन के गुड लुकिंग बच्चे आना। कब तक पुराने लोगों को देख के भी लोग थक गए होंगे, खैर वो लोग भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं इज्जत करता हूँ लोगों की, मेरे पुराने आर्टिस्ट हैं, लेकिन कब तक देखेंगे? न्यू जनरेशन वालों को न्यू जनरेशन वाले देखते हैं, और आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, ये ज़माना है, और आजकल जनरेशन जो भी मोबाइल खोलेगा, किसी के पास आईफोन ही रहेगा, किसी के पास आईफोन रहेगा, और वो हर बच्चे के हाथ में है, और हर कोई देखेगा। आजकल जो चल रहा एनिमल का गाना है तो एनिमल के गाने के ऊपर ही कोई वीडियो बनाएगा, तो चांद भी के चांद को बहुत कम लोग बनाते मेरे जैसे लोग, मैं नए इसमें भी बनाता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि न्यू जनरेशन को साथ दियो। हमारी जो इंडस्ट्री थी इससे पहले, मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट शुरू में भी करा था, जो मेरे को उठा के फेंक दिए थे, तो मेरा एक ही मकसद था कि नए लोगों को चांस देना, नए बच्चों को चांस देना, लेकिन दिए नहीं। तो ये मैं खुद एक हिम्मत करके आगे बढ़ा मेरे आर्टिस्टों के साथ, और कोई प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है मेरे को, जो भी हो सका हम लोग गेट टुगेदर कर रहे, मिलजुल के कर रहे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों का सपोर्ट होना, बस मैं ये चाह रहा हूँ, बस ये मेहनत करने की वजह है आप लोगों के हाथ में है। हम लोग कितनी भी मेहनत करो उसको निखारने का काम आप ऑडियंस के हाथ में है, और आप मीडिया वालों के हाथ में है। अगर हम लोग का काम अच्छा दिखा तो आप हमको सपोर्ट करिए, अगर हमारा काम अच्छा नहीं दिखा आप उसको डिसलाइक कर दिए, लाइक मत करिए, ज़बरदस्ती लाइक मत करिए, और मैं कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं मेहनत करा जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। बस नए बच्चे नए लोगों को चांस दीजिए, और आने वाले जो भी काम करूँगा उसमें भी मैं नए बच्चों को चांस दूँगा बिल्कुल। बचपन से ही हूँ, क्यों बोलता हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरी सो है, और बहुत स्ट्रगल से गुजरी, आज ये मोड़ तक मैं आया बोले तो अल्लाह का लाख लाख करम है, आप लोगों की दुआ है।
कि मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ों उठाया तो मैं जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, और मैं किसी से भी मोहब्बत करा दोस्ती करा तो दिल से करता हूँ, गुस्सा आया तो दो मारता हूँ, मेरे असिस्टेंट है गुस्सा आया तो दो बात बोलता हूँ, कभी लोगों को भी गुस्सा आता होगा मेरे पे तो मैं लोगों से भी तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ पूरी मीडिया के सामने कि क्यों बोले तो मेरे शागिर थे, मैं डराता हूँ समझाता हूँ, लेकिन मोहब्बत भी उतनी करता हूँ, बस मेरी मोहब्बत पाक है और मेरी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, और मेरे भी आर्टिस्ट हैं मेरे से बहुत अच्छी मोहब्बत करते, बहुत सपोर्ट करे, ये लोग भी घर छोड़ के शूटिंग के लिए चार चार दिन बाहर है, हम लोग मोहिनाबाद में सर्दियों में मच्छरों में, और मैं वहाँ की पुलिस का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो जहाँ पे हम लोग शूटिंग करें वो लोग काफ़ी सपोर्ट करें वहाँ को, वहाँ के एसीपी साहब और सर्कल साहब भी बहुत हेल्प करें, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट करें, उन लोगों का भी बहुत इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊँगा, उनकी भी पुछल पुछल करूँगा मैं, और बस अच्छा दिखा। अब यूट्यूब पे क्या किस बोल से ये यूट्यूब पे नुसरत प्रोडक्शन के नाम से तेरी यारी है निभानी, नुसरत प्रोडक्शन आप लोग सर्च करिए उस पर तेरी यारी है निभानी, चैनल का नाम है नुसरत प्रोडक्शन और गाने का नाम है तेरी यारी है निभानी, तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं इसको चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अच्छे अच्छे करें, और जो लोग भी, और मैं इस पर इंस्टाग्राम पे भी ये रील डालने वाला हूँ, सॉन्ग डालने वाला हूँ, और जो जो भी ये इसके ऊपर रील्स बनाएंगे उन लोगों का हर किसी की रियाज, अगर वो 50,000 भी रील जान दो या 100 रील भी जान दो, जो भी रील बनाएंगे हर किसी की रील पर मेरी नज़र रहेंगी, मेरे पूरे स्टाफ की और मेरी पूरी यूनिट की नज़र रहेंगी, और जो भी अच्छा इस पर परफॉर्मेंस करेगा तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें उसको बराबर चांस मिलेगा 100%। थैंक यू सो मच। बाकी पैक है, बड़ा धमाका है, टिकटॉक के ज़माने से बच्चे को देखता हूँ मैं, इतना प्यारा एक्सप्रेशन आजकल बड़े लोग भी नहीं देते, तो मैं एक अनाउंसमेंट ये करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट मूवी जो रहेंगे इनमें छोटे बे का जो बचपन का कैरेक्टर है ये लड़का करेगा, तो मैं वो कैरेक्टर के लिए उनको ले रहा हूँ, आपको कैसा दिख रहा? थैंक यू सर, बहुत अच्छा दिख रहा। पापा से ज़्यादा दे लो, कहाँ है पापा? ज़्यादा है आपकी, तो मेरी जो मूवी में जो मेरे छोटे बे का कैरेक्टर कर रहे हैं मूवी में उसमें बचपन का कैरेक्टर मैं बच्चे को दूंगा मैं, चलो बहुत टैलेंटेड है, आखिरी एक्सप्रेशन किंग है, तो ज़ोरदार थाले एक बार। थैंक यू। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि नुसरत भाई को बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, और ये गाने में बहुत मेहनत लगी हुई है, फर्स्ट सॉन्ग है हम लोग का, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत मेहनत लगी है गाने में, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करिए और वीडियोज़ बनाने की कोशिश करिए, नेक्स्ट उसमें आप लोग भी हम लोग के साथ होते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू। जैसे कि ये शो था, नुसरत भाई ने मैनेज किया, ऑर्गेनाइजर नुसरत भाई थे, शो डायरेक्टर मैं था, एक्चुअली मैं औरंगाबाद से प्रॉपर बिलोंग करता हूँ, एंड थैंक्स टू नुसरत भाई कि उन्होंने मेरे को एक चांस दिए शो डायरेक्टर का, इससे पहले भी मैं काफ़ी शो डायरेक्ट कर चुका हूँ, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है उनके भी शो मैंने ऑर्गेनाइज मतलब डायरेक्ट किया हूँ, तो ये थैंक्स टू लॉट और ऑल टीम कि उन्होंने मेरा साथ दिए और मेरे को भी कोऑपरेट किए कि, और मेरी बहुत सारी काफ़ी हेल्प की है इस सारे मैनेजमेंट में। बोलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो मेरा नाम मोहम्मद अहरम है और मैं बिहार से हूँ, फाइनली अभी तो मैं मुंबई से रिसेंटली कल ही आया, और यहाँ पे आके मुझे नुसरत भाई का प्यार और उनके साथ साथ मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले माशाल्लाह, मतलब नुसरत भाई का जो दिल है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अगर वैसा दिल हर दुनिया में हर शख्स का बनाए तो माशाल्लाह ये दुनिया दुनिया नहीं रहेगी, एक तरीके से जन्नत बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम हैदराबाद आया और हैदराबाद आके मैंने इतना मोहब्बत देखा ना इन लोग के दिलों में, और सो सही बोलूँ तो ये वीडियोज़ भी देखी जो यहाँ पे अभी भाईजान की एक वीडियो है, तो माशाल्लाह वो भी काफ़ी अच्छी लगी, जैसे ही भाईजान इमोशनल हो गए थे तो मैं भी थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो ही गया था, लास्ट मैंने भाईजान को हग वग किया, और बाकी मेरे दोस्तों के लिए बहुत प्यार, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना से जितना हो सके सपोर्ट करें, अरे छोड़े बच्चे हो क्या। ये जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।